हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 की। जान लेते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। आपने पढ़ा था बोर का मॉडल। बोर के मॉडल ने बताया था कि जो ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है? सर्कुलर होती है। सर्कुलर होती है तो उनकी क्या होगी? रेडियस भी होगी। तो बोर थ्योरी के अनुसार अपन क्या निकालेंगे आज? उसकी रेडियस निकालेंगे। फिर उसे क्या निकालेंगे अपन? स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अपनी ऑर्बिट के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी। फिर अपन निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा। तो ये अपन तीन टॉपिक आज करने वाले हैं। इसके बाद अपन लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर फर्स्ट टॉपिक से। अब अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट की। तो देखेंगे, मान लिया अपने पास क्या एक न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज दिया गया प्लस का जेड। एक इलेक्ट्रॉन मास एम का आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? कंटिन्यू रिवॉल्व हो रहा है। तो उसके लिए क्या निकालना अपने? उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है? कंटिन्यू इसके अंदर मूव कर पा रहा है। मतलब घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? तो अपन जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है, एफ इजिकल टू, दिख देता हूं यहां पे मैं, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के ऐसा सा, क्यू वन के लिए फर्स्ट चार्ज, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस का जेड, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ई, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बताया कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्यों? उसके कारण क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व हो पा रहा है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? एमवी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू केजेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल। तो यहां से अपन एक चीज और बना सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं। दोनों क्या किया अपने? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू क्या आई अपने पास? हाफ एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू केजेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर दैट? तो यहां से अपन आर की वैल्यू निकाले। आर की वैल्यू अपने पास क्या है? केजेड स्क्वायर अपॉन एमवी स्क्वायर। क्लियर दैट? कोई डाउट नहीं यहां तक? अपन बात करते हैं अलग आर की वैल्यू को बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से। वो क्या होती है? एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई। मतलब एच अपॉन टू पाई का कंप्लीट मल्टीपल होता है कौन? एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो वो अपन ने दिखा दिया एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहां से अपने आर की वैल्यू निकाल ली। अपन का चाहिए तो एक्चुअली रेडियस, बट यहां क्या आ रहा है? यहां दोनों वैल्यू अपने पास वी आ रहा है, जो क्या एक वेरिएबल वैल्यू है। देखो यहां पे देखेंगे n कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इनकी वैल्यू अपन आसानी से पुट कर सकते हैं। बट v इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, v इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो ये क्या कर रहा है? इसके अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए अपन ने क्या किया? इन दोनों को यूज करके यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी? एग्जैक्ट r की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को अपन यूज करें। दोनों क्या है? r की वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या रख दिया अपन ने? इक्विवेलेंट रख दिया। इक्विवेलेंट रखने के बाद जो कट रहा था हम काट दिया। वैल्यू क्या है हमारे पास? वी की क्या है? 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। ये वैल्यू उठा कहां रख देंगे अपन? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। थर्ड में रखा, देखो अपन ने यहां से रख दिया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? आर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? आर की। इसका मतलब क्या? देखो एच कॉन्स्टेंट अब जानते हो, 4 कॉन्स्टेंट, पाई एम के जेड स्क्वायर, सारे सारे कॉन्स्टेंट। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन बराबर 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अपन बात करें यहां पे एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वैल्यू जाती जाएगी आगे की ओर। क्लियर दैट? कोई दिक्कत नहीं है। एच क्यूल रख सकते हैं, इनके रख सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है अपने पास? कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? 4H एटम, Z इज इक्वल टू 1 होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो N इक्वल टू 1 होता है। इन सारों की वैल्यू अपने पुट कर दी। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आंसर, वो अपन कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा अपने पास? 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए वैल्यू आई है?
फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आई 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर दैट? अब अपन जानते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो ये वैल्यू आई, सेकंड में क्या आएगी भाई, सेकंड में टू का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चार गुना इंक्रीज हो जाएगा, फोर मल्टीपल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। थर्ड की बात करें तो थर्ड का स्क्वायर नाइन, नाइन मल्टीपल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यदि अपने को ग्राउंड स्टेट की रेडियस पता है तो अपन किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए फटाफट, चलिए आगे। सेकेंड पॉइंट था अपना स्पीड, सेकेंड पॉइंट क्या था अपना, स्पीड, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन या ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, बचा कुछ मिटा देते हैं, अवशेष जो है ये लीजिए, मिटा दिया, ये अपने को चाहिएगा तो इसको अपन रख लेते हैं, इसको अपन ने रख लिया क्योंकि ये तो अपन जानते ही हैं, ये तो अपने फाइंड आउट किया ही अभी जस्ट। तो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वैल्यू होती है। सिंस वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अपने अभी भी फाइंड आउट किया था 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन एन एच होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आगे अपन, तो वी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपन सी, और ये सी अपॉन एन, कर लिया मैंने इसको कन्वर्ट। वी इज इक्वल टू एल्फा, ये कोई कॉन्स्टेंट बना दिया मैंने सी अपॉन एन, क्यों बनाने, देखो 2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, जेड कॉन्स्टेंट, ई भी कॉन्स्टेंट है, सी लाइट वेलोसिटी ये भी कॉन्स्टेंट, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, सारे कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने नया नाम दे दिया एल्फा कॉन्स्टेंट। वेयर एल्फा, एल्फा इक्वल टू क्या लिया अपन ने, 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन सी एच इज डायमेंशनलेस, कॉन्स्टेंट, उसे क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट। हियर एल्फा इज इक्वल फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, वैल्यू निकालें तो क्या क्या निकालेंगे, देखेंगे इसको ध्यान से, 2 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, जेड की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, और एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻³⁴। इस पूरे को सोल्व करें तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी 1/137। इस पूरे को सोल्व करें तो अपने पास अल्फा की वैल्यू आएगी 1/137, इसकी वैल्यू ऊपर यहां रखें तो अपने पास वी क्या आएगा, वी इज इक्वल टू 1/137 सी अपॉन एन। ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके मल्टीपल में, एन के मल्टीपल, मतलब जो वेलोसिटी वो क्या होती है, ऑर्बिटल नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां यदि अपन फर्स्ट ऑर्बिट बात करें, फोर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या है अपने पास, वी इज इक्वल टू सी अपॉन 137।
सेकंड की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड की बात करें 3 से डिवाइड कर देंगे, कंटिन्यू मल्टीपल के फॉर्म में चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर दैट? फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं अपन। उतार लिया होगा आपने, मिटा दूं। चलिए इसका नेक्स्ट लेते हैं अपन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पास दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों क्या कर देंगे? सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? टोटल एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अभी भी निकाला था अपन ने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन 2R। ये आया था अपने पास, वहां देखा था अपन ने के जेड स्क्वायर अपॉन में 2R, ये वैल्यू आ गई थी। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको? फर्स्ट देते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये होता है। तो के की वैल्यू कांस्टेंट, क्यू वन की वैल्यू जेड, इसकी वैल्यू माइनस का ई अपॉन में आर। तो क्या आएगी अपने पास वैल्यू? माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर 2, कोई डाउट नहीं है। दोनों क्या करते हैं? सम करते हैं, कर दो भाई। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर एनथ ऑर्बिट, अपन उनका कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? अपन तो अपन डायरेक्ट ले लिया अपन ने एनथ ऑर्बिट, जनरल बात कर ली अपन ने एन में ऑर्बिट की। एन बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां से क्या होगा? ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कर दो सम। तो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी? के जेड स्क्वायर अपॉन 2R माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये हाफ है, ये फुल है, तो माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस का हाफ, तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2R। क्लियर? ये आ गया। यहां से अब आर की वैल्यू रखनी है, इसके अंदर क्या करना है? आर की वैल्यू पुट करनी है। तो अपन जानते हैं आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अभी अपने फाइंड आउट किया था आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर होता है। उठा कहां रख दें? इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 इक्वेशन में रखें तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी? ई एन इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन 2। आर की जगह लिख दूं 4π स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक तो ये कटेगा, क्या बचेगा? माइनस का 2π स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। किसके इक्विवेलेंट आया अपने पास? En के। nth ऑर्बिट की एनर्जी ये आ गई। 2 कांस्टेंट अपन जानते हैं, पाई भी कांस्टेंट, एम के जेड ई एच सारे कांस्टेंट है। क्या अपने पास वेरिएबल है? एन। मतलब एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? 1 अपॉन एन स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी डाउन होती जाएगी। क्लियर? तो यहां से अपन सबकी वैल्यू निकालें। 4 हाइड्रोजन एटम तो जेड इक्वल टू 1, तो माइनस का 2 × 3.14 का स्क्वायर, एम की वैल्यू 9.1 × 10⁻³¹, के की वैल्यू 9 × 10⁹9, जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹
का स्क्वायर एन की वैल्यू अपन रख नहीं रहे, एक बार ऐसे ले लेते हैं। एच की वैल्यू अपने पास आएगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, नॉट अ जूल, याद रखना बात ये। तो ईएन वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन इक्वल टू 1 रख दो, सेकंड की बात करें एन इक्वल टू 2 रख दो, थ्री की बात करें एन इक्वल टू 3 रख दें। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर दैट? ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई अपने पास nth ऑर्बिट की एनर्जी। यह क्या आ गया अपने पास, एनर्जी। क्लियर दैट? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट उतार लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेते हैं अपन। हो गया होगा, मिटा दूं। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। ये काम आएगा फॉर्मूला, इसको अपन रख लेते हैं। अभी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम फर्स्ट क्या कहती है, देखो अपन जानते हैं कि एक एटम को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अभी अपन ने बताया था E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही चाहिए, ये आपको एनर्जी दी गई है। अपन जानते हैं किसी भी एटम को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इतनी एनर्जी उसको चाहिए तो उसकी आपको रेडियस निकालिए, उस एटम की रेडियस निकालना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर दैट? अपन जानते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2R, यही होता है क्या? सिंस अपन जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन में 2R। और अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन की बात की जा रही है, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो जेड क्या हो जाएगा अपने पास 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालना क्या अपने को, आर चाहिए तो आर को इधर ले जाओ, तो आर इज इक्वल टू माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन 2E, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे सोल्व करें अपन, के की वैल्यू माइनस का 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 2 ई इक्वल रखनी अपने को। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से क्या करें, जूल में कन्वर्ट करें, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13.6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई कर दें, तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो एक वैल्यू तो इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। फिर आगे इसको सोल्व करें अपन, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 2 इंटू 13.6, 100 माइनस का 10 बचेगा यहां से। और आगे सोल्व करें तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यस कह सकते हैं अपन 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या पूछा है अपन से, क्वेश्चन ने पूछा गया वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होती है, माइनस का टोटल एनर्जी के जो एन वी ऑर्बिट की है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट कह सकते हैं इसके लिए। और ये किसके इक्विवेलेंट है अपने पास, 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के इक्विवेलेंट है। तो यहां से वी क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME, और वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2ME, तो अंडर रूट लगा दें अपन, सॉरी वी स्क्वायर क्या आएगा अपने पास 2E अपॉन में m, तो v बराबर अंडर रूट
टू e की वैल्यू 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन m, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ऊपर से आएगा, पावर सोल्व होगी ये तो अपने पास वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी आ गई अपने पास से, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये आपकी रेडियस और ये आपकी वेलोसिटी, फटाफट राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इसको प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, अपन जानते हैं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, चक्कर काट रहा है, तो वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। लाइट एमिट करेगा तो उस जो लाइट एमिट हो रही है उसकी अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर दैट? या एफ लिख सकते हो उसको आप। एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, लाइट फोटोन एमिट कर रहा है। उस फोटोन की अपने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप, कि जो टाइम पीरियड होता है टी, वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, ये होता है रेडियस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। और अपन ये भी जानते हैं टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी आपको, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन 2πr। वेलोसिटी अभी भी अपने निकाली थी, कितनी आई थी, 2.2 इंटू 10 की पावर 6, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएगा ये, सॉल्व करें इसको 1.1 तो अपने पास आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते समय क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।